सबके नाम लिख लिए, उन्हीं के पास जाना चाहिए जिसका है। कल ही तो आई थी हमारे आंगन में, आज जा भी रही है। अपरे मिस्टर अमरीश पुरी, आज तो मिस्टर आलोकनाथ मोड पर आ गए। बात बात पर इमोशनल हो रहे हैं आप, लेकिन मन को मजबूत बनाइए। इस बात को याद रखिए कि बेटी अगर विदा होकर के चली गई, इसका ये मतलब नहीं कि वो पलट के अपने मायके नहीं आएगी। अंकल मैं ना आपको पहले से ही बता रहा हूँ, मेरा व्यान ना एकदम जोरू का गुलाम बन के रहेगा। अगर कथा मायके आएगी तो व्यान भी आएगा, और अगर वो आएगा तो मैं ना इस पैकेज का वो मुफ्त 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 वाला हिस्सा हूँ। आपको एक दामाद के साथ साथ एक बेटा फ्री मिलने वाला है। भाई ये बात बढ़िया है, आई लाइक दिस। माँ आप एक काम करो, थोड़ा रोके का काम ना अपने इस बेटे से भी करवा लो, और मैं और पापा जरा एक बॉयज ट्रिप पे होकर आते हैं थोड़ी देर के लिए। बॉयज ट्रिप? भाई मैं ना इस दुनिया के सारे बॉयज ट्रिप का गाइड हूँ, मैं आप दोनों साथ चलता हूँ। अरे अरे रुको रुको रुको, आप लोगों की जो बॉयज ट्रिप है ना उसकी प्लानर मैं हूँ, ठीक है? तीनों अलग अलग डायरेक्शन में उड़ जाओ और मुझे काम करते हुए दिखने चाहिए। मेरी बेटी का रोका है, अगर कोई रुका ना तो ओके ओके ओके। 1 2 3 वेटर, एक्सक्यूज मी, आई विल हैव एक्सक्यूज मी। Waiter. Thank you. He was. वो आप अपना ख्याल रखना कब शुरू करेंगे? क्यों? आप मेरा ख्याल रखना बंद करने वाली हैं? अरे फिर से डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, जस्ट हार्ट बीट तेज हो रही है। व्हाट? हाँ आपके पास आता हूँ तो होता है। आपने तेजी आंटी को बताया? क्या बताना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, और मुझे उनको परेशान नहीं करना है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि अपना ख्याल रखेंगे। यस यस, एंड आई स्टिल प्रॉमिस कि मैं अपने आप को फिट रखूंगा, ताकि मैं आरफ के पीछे दौड़ सकूं, उसके साथ खेल सकूं, और ऑफ कोर्स बुढ़ापे में आपका साथ मैं मजबूती से निभा सकूं। That's it. बस इतना ही इस्तेमाल करना, थोड़ा और वाइट, that's it. Oh, I see how it goes. ठीक है, you asked for it. अब तो आप इस्तेमाल करेंगी। ये देखिए किसने मैसेज किया है। हाँ नीना, अमृता की बेबी। Yeah. ओह यार कितनी क्यूट हो गई है। आइए प्लीज, रोके का फंक्शन शुरू करते हैं। चलिए व्यान, व्यान चलिए। फिर से कहिए। क्या? व्यान, आपके मुंह से अपना नाम सुन सुन के ना प्यारा लगने लगा है। God, I hated Mr. रघुवंशी। बस मुझे व्यान बुलाते रहिए, चाहे जहां ले जाइए ये बंदा चल पड़ेगा आपके साथ। ओके चलिए मिस्टर रघुवंशी आइए।
सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे, हाय 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 क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे, दिल से निकल गया है लफ्जों पे आने लगे, कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे, चन्ना वे चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ क्यों लगे, चन्ना वे चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ क्यों लगे, चन्ना वे Vyaan, my love, my darling. तो धोखेबाज निकला, मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था, याद है आन आरुवंशी, ठीक से खुद का नाम भी नहीं बोल पाता था, तब से यू हैव बीन माई मैन. लेकिन तूने तो किसी और को अपनी लेडी बना लिया, तो मैंने इस लड़की की खोज खबर लेना अपनी लाइफ का एजेंडा बना लिया, और देख तेरे प्यार में पेरिस छोड़कर आई हूं. तेरे रोके पे तू रुक जाए किसी और के लिए, इससे पहले एक बार फिर से अपने आन को आई लव यू ये कहने आई हूं. मासी, yes. अब आ गई पेरिस से. My God. तो ये है तेरी कथा. बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन अब लगता है जो भी सुना है कि हमारे जो मिस्टर पोएट हैं, जब पोएटिकली चांद के बारे में बात करेंगे तो तुम्हारी बात होगी. कम हियर. और व्यान तो हमारा सूरज है ही, ब्राइट प्रॉमिसिंग एंड वार्म. दिस इज फॉर यू, क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल इसी की तरह है, यिन एंड यांग, सूरज और चांद की जोड़ी, जिससे ये खूबसूरत दुनिया बनती है. इसकी हर धूप में तुम्हारे प्यार की ठंडक होगी, और तुम्हारी हर रात में इसके प्यार की हरारत. I can't believe it. आप पेरिस से आई हैं. स्पेस टूरिज्म के बारे में सुना है? अगर मैं चांद पर होती, तारों में होती, मार्स पर होती, कहीं पर भी होती, तेरे लिए तो आती ही ना. हाँ. और अब तुम्हें सास बनने वाली. और ये सास बहू ड्रामा मुझे बहुत पसंद है. My favorite, you know.
थोड़ा बच के रहना। माया दीदी, व्हाट अ सरप्राइज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एकदम सही मौके पर आने के लिए। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, अरे मैं भी हूँ, दीदी हट ना। माया दीदी कैसी हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन, सो गुड टू सी यू। वैसे दीदी एक बात तो तय है, तेजी से ज्यादा ना मैं आपकी सगी बहन हूँ, है ना? ट्रू। जब से तुम्हारे बारे में सुना है मैं बस यही सोचती रही कि मैं तुम्हें ऐसा क्या गिफ्ट करूं कि तुम्हें यकीन हो जाए हाउ मच आई रियली एडमायर यू। लेकिन अब तुम्हें देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरे सारे तोहफे तुम्हारे सामने फीके पड़ जाएंगे। रियली योर गॉड सेंट। जब से तुम हमारे व्यान की जिंदगी में आई हो इज अ चेंज मैन, बदल गया ये लड़का। हंसने लगा है, जीने लगा है। वैसे हमारा पूरा का पूरा व्यान तुम्हें तोहफे में दे रहे हैं हाल फिलहाल। ये सारे गिफ्ट्स स्टाफ के लिए, मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ एक छोटा सा थैंक यू। व्यान, मिस्टर एंड मिसेस गरेवाल से नहीं मिलाओगे? आई एम सो सॉरी। आई आई राइट दिस वे। पापा मम्मी, दिस इज माया सिंघानिया, एकदम माँ जैसी। सॉरी मॉम। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। कुछ भी कहने से पहले मैं सॉरी कहना चाहूंगी। मैंने सुना कि मेरी छोटी बहन तेजी ने आपसे वो सब कुछ कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था। ये बात उसने मुझे खुद बताई है और वो भी बड़ी शर्मिंदगी से। यकीन मानिए हमारी पूरी फैमिली की तरफ से वेरी सॉरी, माफी मांगते हैं। नहीं नहीं माया जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इतनी दूर से आई हैं और आपका प्यार व्यान के लिए देखकर हम तो बिल्कुल निहाल हो गए हैं। पुरानी कोई बात हमें, मुझे कुछ भी याद नहीं है और अब तो बाबा जी की कृपा से सब ठीक है। That's so kind of you. Thank you so much. लेकिन आप इस बच्ची के लिए जो कर रहे हैं इट्स कमेंडेबल। बहुत बहुत बड़ा दिल चाहिए इसे करने के लिए। पहले आपने अपना बेटा खोया, फिर अपनी बहू को ही अपनी बेटी मान लिया और आज आप वो सारी खुशियां वो सारी जिम्मेदारियां हमारे बेटे विहान को दे रहे हैं जो कभी आपके बेटे के थे। बिलीव मी, धन्य हो गए हम आप जैसे संधि पाकर। आई प्रोमिस यू हम पूरी कोशिश करेंगे कथा का उतना ही ख्याल रखें जितना आपने रखा है। थैंक यू। जैसे मासी ने मेरा ख्याल रखा बचपन से, मेरे सबसे डिफिकल्ट टाइम्स में मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। एक्चुअली पापा के जाने के बाद अगर इन्होंने मुझे गाइड नहीं किया होता तो मेरा बिजनेस एम्पायर तो क्या, खुद को नहीं संभाल पाता मैं। इट इज द ट्रूथ। जो मैंने सीखा है मासी से सीखा है। सूद समेत वसूलूंगी सब कुछ, चिंता मत कर। आपने आज तक सिर्फ मुझे दिया है, एक बार मांग के देखिए, खुशी खुशी पूरी वसूली दूंगा आपको मैं। वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये खुद एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वुमन है। यस, इनका अपना एक बड़ा बिजनेस एम्पायर है पेरिस में, शी इज द क्वीन देयर। लेकिन फिर भी हर गर्मी की छुट्टी द समर वेकेशंस इन्होंने मेरे नाम की है और आज मेरे सबसे स्पेशल मोमेंट में ये मेरे साथ खड़ी है। आई जस्ट एक मिनट हां साइड हो, तुम ये सब अलाउ करते हो? लाइक रियली, तुम्हारे होते हुए दूसरी लड़कियों को आई लव यू बोलता फिरता है? इतनी ढील मत दो, हाथ से निकल जाएगा। एक मिनट, हाथ से निकल जाने से मुझे याद आया, कहाँ है वो, कहाँ है वो? वो कौन दीदी? जो बहुत पहले हम सबके हाथ से निकल चुका था, उसे पता है उसकी बात हो रही है। आ जाओ भाई सामने, वेर आर यू?
मासी मेरी लाइफ में तो सिर्फ आप ही हो. I तो only love you. Yeah, right. You know. I swear I have no idea, मासी बताओ. मैम ये तो मिस्टर विराज रघुवंशी की नाजायज बेटी है. Excuse me? क्या कहा आपने? Bye, please. ऐसे चुप रहकर घटिया लोगों की घटिया बातों का जवाब नहीं दिया जाता. तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हारे लिए स्पेशल है ना, सबसे प्यारे हैं, तो उनका नाम हमेशा सम्मान से सुनना. अब जाओ, जाकर जवाब दो उसे. गो ऑन. वैसे खुशी के मौकों पर ऐसे इडियोटिक लोगों को इग्नोर करने में ही समझदारी होती है. और आज तो तुम्हारे भाई का रोका है. So come on, smile, pretty girl. And you, अगली बार सोच समझकर बात नहीं की तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा. आउट. Terribly sorry for this outburst. I didn't mean to. But it's over now. The fun Maya mode is on. Oh, yeah, Masi. तो ये है माया मासी. As usual with a surprise entry. आपसे इतना प्यार करती हैं, I'm not surprised. Yeah. लेकिन in general मुझे लगता है ना surprises देने बहुत पसंद हैं. She looks full of love and life. Yeah. बहुत प्यारी है. कविता, तुम्हें लगता है कि माया जी को आरव के बारे में पता होगा? पता ही होगा ना. वियान तो छुपाने वालों में से तो है नहीं. बता दिया होगा वियान ने. लेकिन जब वियान ने माया जी को देखा तो वो खुद सरप्राइज था. हो सकता है उसे मौका ही ना मिला उन्हें बताने का. तो तेजी ने बता दिया होगा शायद. ओ ओ आरव, इट्स ओके. ओ माय गॉड, ये हैंडसम यंग मैन कौन है? रॉबिन पापा का बेटा बैटमैन. मेरा बेटा आरव. नहीं नहीं, कम ही है. केयरफुल केयरफुल बेटा, एक रॉन्ग मूव और पूरी इमारत गिर जाएगी. ट्रू. आई एम प्राउड ऑफ यू वियान. अपनी कंपनी को सालों से इतने अच्छे से संभाल रहा है और अब एक न्यू जर्नी हो एम्बार्किंग अपॉन. एक बात हमेशा याद रख, चार लोगों की फैमिली को मैनेज करना 400 लोगों की कंपनी को मैनेज करने से ज्यादा मुश्किल है. आई नो दोनों केसेस में लोगों को मैनेज करना है, बट वहां पर कंपनी में बॉस तू है, कभी भी किसी को भी निकाल सकता है. लेकिन फैमिली में हर कोई बॉस होता है, हर एक की ओनरशिप बराबर की. यहाँ पर किसी को निकलवाने की बात सोची भी ना तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. राइट कविता जी? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं.
एक और बात बेटा, कई बार हमें घर में ना डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, डिफिकल्ट डिसीशंस लेने होते हैं, लेकिन घर में हमारा दिमाग प्रैक्टिकली नहीं चलता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम घर में दिल से जुड़ी हुई है, यू नो। सो आई लाइक टू सजेस्ट समथिंग, कभी ऐसा हो तो हमेशा अपने दिल की सुनो, पहले सबके बारे में सोचो और फिर ही किसी डिसीजन पर आना, राइट? दिल की बात से मुझे कुछ याद आया, कथा मुझे तुमसे बात करनी है। आई डोंट नो कथा, क्या तुम खुश हो बेटा? मैं बहुत खुश हूँ। तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? 56,000, इतना सारा पैसा एकदम से देकर वो बच्चा बिगड़ सकता है। आरफ के मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और आपको लगता है मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा? बाप हूँ उसका मैं, और मैं उसकी माँ हूँ वियान, और आरफ के बारे में कुछ डिसीजंस हैं जो सिर्फ मैं ही ले सकती हूँ।